हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए आइए बनाते हैं आसान तरीके से बहुत ही स्वादिष्ट चिकन। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 किलो चिकन लिया है। इसमें डाला है मैंने लगभग आधी चम्मच हल्दी पाउडर। अब मैंने इसमें डाला है गुनगुना पानी। बहुत गर्म पानी नहीं डालना है, गुनगुना सा पानी डालेंगे हम इसमें। अब इसे हम ढक के रख देंगे साइड में 5 से 10 मिनट के लिए। अब आइए नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं। यहाँ पे मैंने मिर्ची ली है। मिर्ची को ऐसे 20 से लंबे लंबे स्लाइसेस में कट कर लिया है। यहाँ पे मैंने लगभग 150 प्याज को ऐसे पतले पतले कट कर लिए हैं। और यहाँ पे मैंने 100 ग्राम टमाटर को भी रफली चॉप कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए चिकन को लगभग 10 मिनट हो गए हैं। अब इसे हम अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे हल्दी वाले पानी में, जो हमने चिकन रखा था उसे अच्छी तरह से हम धुल लेंगे। ये देखिए मैंने धुल लिया है। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी काले मिर्च पाउडर, मैंने यहाँ पे आधा स्पून गरम मसाला लिया है और लगभग 1 स्पून नमक लिया है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे हम। देखिए अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। अब इसे ढक के रखेंगे 10 मिनट के लिए रेस्ट पे। जब तक ये रेस्ट पे है तब तक आइए नेक्स्ट प्रोसेस पे। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में डाला है सरसों का तेल, थोड़ी सी काले मिर्च और तेज पत्ता। अब हम इसमें डालेंगे जो हमने प्याज कट करके रखे थे वो हम इसमें डाल देंगे। अब इसे हमें हल्का सा भूनना है। जब हल्का सा प्याज सॉफ्ट हो जाएगा, ये देखिए, तब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट और जो हमने मिर्ची कट करके रखी थी वो डालेंगे। अब इसे हमें 2 से 3 मिनट भूनना है। अब ये देखिए ये भून चुका है। अब हम जो हमने चिकन मैरिनेट किया था वो हम इसमें डाल देंगे। ऐसे एक एक करके डालें, जो इसका नीचे पानी रहेगा उसको नहीं डालना है। ये चिकन मैंने डाल दिया इसमें। अब इसे हम ढक के 5 मिनट तक लो फ्लेम पे कुक करेंगे बिना चलाए हुए। पांच मिनट के बाद ढक्कन हटाएंगे हम। एक बार इसे चलाएंगे। अब हम इस पर डालेंगे रफली चॉप टमाटर। ये मैंने इसमें टमाटर डाल दिया है। इसे हल्का सा ऐसे फैला लेंगे। अब हमने इसमें डालना है कुछ मसाले, जैसे मैंने इसमें डाला है नमक डालेंगे पहले तो, इसके बाद डाला है मैंने हल्दी, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। यहाँ पे मैंने लगभग 1 से 1.5 चम्मच लिया है मीट मसाला। इसे डालेंगे और इसे एक बार ऐसे चला लेंगे। अभी मैंने इसमें पानी नहीं डाला है। अब इसे ढक के लगभग 10 मिनट तक हमें मीडियम फ्लेम पे कुक करना है। अब देखिए 10 मिनट के बाद मैंने ढक्कन हटाया। आप मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक करें। अब ये देखिए चिकन ने बहुत सारा पानी रिलीज किया है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। हम डालेंगे 1 गिलास पानी। मैंने यहाँ पे इसमें 1 गिलास पानी डाल दिया है। इसे एक बार चलाएंगे हम। अब इसे ढक के हमें चिकन को पकने तक इसे ढक के पकाना है। इसे पकने में 15 से 20 मिनट लगेंगे। देखिए 20 मिनट के बाद मैंने ढक्कन हटाया और इसे एक बार स्टर करेंगे। ये चिकन पक चुका है। ये देखिए आप, चिकन अच्छी तरह से पक चुका है। अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया और गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। इसे हम 5 मिनट के बाद सर्व करेंगे। और ये हमारा चिकन बनके रेडी है।
अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।